Sacrifice. So either you die or your family die or other people would die. So he knew what he had to set up. He knew how to set up the stage, the, the gateways and portals for the demon to come and collect the human sacrifice. किसी और की बलि नहीं चढ़ाई तो आज रात तू मरेगा और तेरे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो मरेंगे तो अपने आप को बचाने के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए ये अपने फैंस की बलि चढ़ाते में आपको याद होगा ट्रेविस कोर्ट ने साल 2021 के अंदर एस्ट्रो वर्ल्ड नामी अपना कॉन्सर्ट किया था जिसके अंदर काफी लोग अपनी जान से गए थे और जिस वक्त उनकी जान जा रही थी उस वक्त ये गाने गा रहा था ये स्टेज पर से उतर नहीं रहा था ये बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा था कॉन्सर्ट को और इसको ऑलरेडी पता था कि लोग मर रहे हैं लेकिन इसने अपने कॉन्सर्ट को जारी रखा आप देख सकते हैं कि इसकी शर्ट के ऊपर सिंबलिज्म बना हुआ है कि यहां पर से लोग जो हैं एक दरवाजे के अंदर से गुजरते हुए एक पोर्टल के अंदर से गुजरते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं और स्टेज के ऊपर इसने लिख रखा था सी या ऑन द अदर साइड और एक पोर्टल के अंदर से सारा स्टेज एक पोर्टल के अंदर बना हुआ था अभी रिसेंटली हुआ यह है कि इसी ट्रेविस कोर्ट ने कॉन्सर्ट किया है रोम के अंदर आपको याद होगा पिछले महीने की बात मैंने आप आपको बताया था कि ट्रेविस जो है वो इजिप्ट के लिए मिस्र में जाकर कॉन्सर्ट करना चाह रहा था और खास तौर पर उसी जगह के ऊपर जहां पर पिरामिड्स ऑफ गिजा है आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में लिखा हुआ ऑन जुलाई ट्वेंटी एट ट्रेविस कोर्ट कॉन्सर्ट सेट टू परफॉर्म एट द पिरामिड्स इजिप्ट इन फिफ्टीन मिनट्स द कॉन्सर्ट वो सोल्ड आउट इसकी टिकटें पंद्रह मिनट के अंदर बिक गई थी लेकिन जो अथॉरिटीज हैं इजिप्ट की मिसर की उन्होंने इस शो को होने से पहले ही रोक दिया था क्यों रोका था क्योंकि उनका कहना है कि प्रीवियसली सिटेनिक प्रैक्टिस इन द कॉन्सर्ट इसने की थी जिसकी वजह से इन्होंने कैंसिल किया डिस्पाइट द रैपर्स प्ली दैट ही रिस्पेक्ट्स अल्लाह एंड गोस टू चर्च लैक ये टोटली सीटेनिक लोग हैं झूठ बोलते हैं बकवास करते हैं कि मैं चर्च जाता हूं मैं खुदा का मानने वाला हूँ ऐसा कुछ नहीं है ये शैतान के मानने वाले लोग हैं और पिछले कॉन्सर्ट में भी आप देख लें वो चीज प्रूव हो गई है अभी रिसेंटली हुआ ये कि रोम के अंदर जाकर जब इसने परफॉर्म किया है तो वहां पर लोगों ने क्योंकि जंप किया है इकट्ठे साठ लोग आए हुए थे कॉन्सर्ट के अंदर जिन्होंने जंप किया आप देख सकते हैं द सिक्सटी थाउजेंड ओर्ड स्पेक्टेटर्स जम्प सो विगरेसलीट समल पैनिक्ड वहां पर रहने वाले लोग जो हैं उनको लगा कि जल्जला आ गया है। लेकिन वो जल्जिला नहीं था वो जी ये लोग डांस कर रहे थे ये लोग जम्प कर रहे थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर जल्जले जैसी सिचुएशन पैदा हुई और जो वहां पर रहने वाले लोग हैं रोम के अंदर वो परेशान हो गए कि शायद जल्जला आ गया आपके सामने है ये शख्स जब भी परफॉर्म करता है कुछ ना कुछ रिचुअल होता है कुछ ना कुछ ट्रेजिडी जरूर होती है अब इस कॉन्सर्ट के अंदर जो कि अब भी इस महीने के अंदर इसने किया है आप नोट करें कि इसके अंदर भी 60 लोग जो हैं वो इतने बुरे तरीके से इंजर्ड हुए हैं इतने बुरे तरीके से जख्मी हुए हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है अब ये तो आपको नहीं बताएंगे कि उनको क्यों हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है किसको क्या चोट आई है आपको अच्छी तरह से पता है कि जल्जले के अंदर अगर कोई शख्स जमीन पर गिर जाता है तो क्या होता है कहते हैं कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं तो मिर्गी जो है मिर्गी के दौरे जो है वो डायरेक्ट लिंक्ड है डिमोनिक पोजेशन से तो आपके सामने है जहां पर भी ये शख्स जाता है वहां पर कुछ ना कुछ सटेनिक रिचुअल जरूर होता है पिछले कॉन्सर्ट जिसके अंदर काफी जवान जो है वो मारे गए थे उसका पोस्टर आपके सामने है एक पोर्टल के अंदर लोग जो हैं वो खींचे चले जा रहे हैं और यहाँ पर आप मास्क देख सकते हैं मौत का और मौत ही मौत थी और वो लोग जिन्होंने ये कॉन्सर्ट अटेंड किया था एस्ट्रो वर्ल्ड वाला गो कि वो मस्बी लोग नहीं थे वो खुदा पे बिलीव करने वाले लोग नहीं थे लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि ये बहुत ही डार्क और बहुत ही डेमोनिक कॉन्सर्ट था लेकिन उसके बावजूद आप देख ले कि लोग इनके कॉन्सर्ट्स की तरफ खींचे चले आते हैं और अभी भी साठ हजार लोग जो हैं वो यहाँ रोम के अंदर जमा हुए हैं और आप देख सकते हैं कि साठ लोग अप्रोक्सिमेटली सिक्सटी इंडिविजुअल हिस्टोरिक सर्कस मैक्सिमस ऑन ऑगस्ट सेवेंथ अब मैं आपको बताता हूं कि ये रोम वाला जो इसका कॉन्सर्ट था ये कैसे डिमोनिक था कैसे यहां पर रिचुअल किया गया है क्यों इस शख्स के जो भी कॉन्सर्ट या गाने हैं इनसे दूर रहा जाए मैं पहले आपको सुनवाना चाहता हूं एक्स सेटनिस्ट से जो कि पहले शैतान का पुजारी था और बाद में वो मसीही हुआ और अब वो पास्टर है हम पहले उनके मुंह से सुनते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली वो क्या बताना चाह रहे हूँ oh, well, right? अब इनसे सवाल किया इस शख्स ने पूछा है कि जो ये जो डिमोनिक इस तरह के रिचुअल्स होते हैं उसमें म्यूजिक का क्या काम है तो जॉन रेमरेस बता रहे हैं कि जैसे हम म्यूजिक का इस्तेमाल करके वर्शिप करते हैं खुदा की चर्च के अंदर तो क्या होता है खुदा की हजूरी आती है खुदा की रूह आती है आप सुनिए कि जब हम वर्शिप करते हैं तो खुदा की रूह आती है होली स्पिरिट आता है और हम जो कुर्बत है जो मोहब्बत है मसीह की हम उसको महसूस कर सकते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से क्योंकि म्यूज़िक जो है वो स्परिचुअली इस्तेमाल होता है दोनों तरफ डिमोनिक तरफ भी और खुदा वाली तरफ भी तो आप देखें डिमोनिक तरफ जो है वो स्पिरिट रैलम में क्या हो रहा होता है दरवाज़े खुल बंद हो रहे होते हैं दरवाज़े खुलते हैं इसी तरह से जैसे होली स्पिरिट आता है म्यूज़िक के साथ इसी तरह से बैड स्पिरिट्स आती हैं डिमोनिक स्पिरिट्स आती हैं जिनके लिए दरवाज़े खोले जाते हैं इस तरह का म्यूज़िक बना के और फिर क्या होता है आगे सुने joy that that the intimacy with Christ, right? अब जहां पर भी डिमोनिक स्पिरिट आएगी वो स्पिरिट कुछ ना कुछ लेके जाती है और वो क्या लेकर जाती है यहाँ तो ट्रेजिडी करके जाती है यहाँ तो लोग जख्मी होंगे उनका खून बहेगा या फिर लोगों का कतल किया जाएगा और फिर क्या होगा ह्यूमन सेक्रीफाइस होगा जो कि इसके साल 2001 वाला जो एस्ट्रो वर्ल्ड था उसके अंदर ह्यूमन सेक्रीफाइस हुए थे मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूं अब आगे सुनेपिन सो देख सैक्रिफाइस न्यूज गोन ऑन When I was in the world. इनके मुताबिक जी ये आदमी जो है ट्रेविस कोर्ट इसको अच्छी तरह से पता था कि नीचे क्या हो रहा है ये ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए सब कुछ किया जा रहा है उसके बावजूद जो है इसने लोगों को मरने दिया इसको इसलिए पता था क्योंकि डिमोनिक वर्ल्ड के अंदर इनका कहना है कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो आपको बता रही होती हैं कि अब ये हो रहा है और इनके मुताबिक जॉन रेमरस का कहना है कि जो कोई भी अपनी रूह बेचता है शैतान को वो एक दफा नहीं बेचता यानी कि उसने अपनी रूह बेच दिया बस फॉर एवर वो उसका गुलाम बन गया नहीं वो क्या होता है इनका होता है कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी एक्सपायरी डेट होती है एक्सपायरी डेट से मुराद यह है कि आप ख़ुद डिसाइड करते हैं डेवल के साथ कि मैं कितने साल तुम्हारे लिए काम करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलना चाहिए तो जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है जब टाइम एक्सपायरी जब नज़दीक आ जाती है तो इनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और जब भी ये नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोबारा से अपनी रूह जब बेचते हैं शैतान को और यह भी मैं आपको बता दूं कि ये एक सिर्फ एलूजन है लोगों को लगता है कि वो अपनी रूह जो है वो शैतान को बेच देते हैं रूह जो है वो खुदा की मलकियत है कोई शैतान की मलकियत नहीं है वो किसी से खरीद नहीं सकता ये शैतान डिसीव करता है लोगों को ताकि जिसने भी अपनी रूह का सौदा किया है वो ये समझता रहे कि अब मैं ये वापस नहीं ले सकता शैतान से क्योंकि वो बहुत ताकतवर है तो अब मैं जो हूं बिक चुका हूं तो अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है इसलिए वो क्या करता है सारी जिंदगी उसको ये एक डिसीव किया जाता है शैतान की तरफ से कि तेरी रूह का मालिक मैं बन गया हूं जबकि रूह जो है वो वापस खुदा की तरफ ही जाती है तो ये जो रू बेचना है ना अपनी शैतान को ये सिर्फ एक एलूजन है जो कि शैतान ने दी हुई है उन लोगों को जिनकी रूह का सौदा वो करता है तो बताने का मकसद ये है कि जो कोई भी सौदा करता है शैतान के साथ जैसे कि ट्रेविस कोर्ट इनको अच्छी तरह से पता है कि नीचे क्या हो रहा है लोग मर रहे हैं इनको स्पिरिट्स आके बताती हैं क्योंकि ये उनके साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं और क्योंकि एक नया कॉन्ट्रैक्ट इसने करना था इसका कॉन्ट्रैक्ट पुराना एक्सपायर हो चुका था जिसकी वजह से इसको ह्यूमन सेक्रीफाइस हर दफा इनको देना पड़ता है जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट

मेडिकल अटेंशन जिनको जरूरत पड़ी है यानी कि जिनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है जरूर उनका खून बहा है अब जरा आगे सुने। well, the would tell me, well, going. to keep my contract going. So this man knew what he was doing. He knew the setup. He knew the stage. He knew the platform. He knew what he was doing. He knew the demons was going to come in and out of that portal. He knew the demons were coming in because they, they had to come and collect life. You know, they need to collect life. That was a sacrifice of them collecting the life or whatever the case may be. देखें, जो लोग अपनी रूह का सौदा करते हैं शैतान के साथ शैतान उनको थ्रेट करता है उनको कहता है कि अगर ये काम नहीं किया, किसी और की बलि नहीं चढ़ाई तो आज रात तू मरेगा और तेरे फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो मरेंगे तो अपने आप को बचाने के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए ये अपने फैंस की बलि चढ़ाते हैं। आगे सुने date You see, so you have to keep the contract and keep the expiration date, and you have to stay on track. You have to stay on track. So whatever you sign that contract with, for whatever time you sign that contract, you have to give the devil every up everything that he agreed.

नए कॉन्ट्रैक्ट में जब जब जाते हैं तब तब इनका लेवल बढ़ता जाता है एनिमी और ये वफादारी शो करने के लिए शैतान के साथ इस तरह की ह्यूमन सेक्रीफाइस लोगों का खून बहा करना इस तरह की चीज़ें ये पास्ट में होती रही हैं रॉक म्यूजिक तो इस चीज़ की जिंदा एग्जाम्पल है जब पास्ट के अंदर काफ़ी लोगों ने मैथ खुदकुशियाँ की थी यानी कि इकट्ठे ही काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने खुदकुशियाँ की थी सिर्फ रॉक म्यूजिक सुनने के बाद तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिमोनिक वर्ल्ड बिल्कुल रियल है जिस तरह से शैतान रियल है इसी तरह से खुदा रियल है जो लोग खुदा को नहीं जानते हैं आपके पास मौका है कि अपनी जिंदगियों को सेव करें अपने ऊपर एहसान करें जाने यसु मसीह के बारे में क्योंकि यसु मसीह का कहना है कि जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा गो के वो मर भी जाए तो भी वो जीता रहेगा जो कोई भी हमेशा की जिंदगी चाहता है जो कोई भी खुदा को देखना चाहता है जो कोई भी खुदा के साथ हमेशा तक इटर्निटी तक जीना चाहता है उसको चाहिए कि वह यसु मसीह के बारे में जाने क्योंकि अभी दरवाजा खुला है नजात का दरवाजा खुला है जिस वक्त यसू मसीह वापस आ जाएंगे फिर नजात का दरवाजा बंद हो जाएगा उस वक्त उसको देखकर कबूल करने का कोई फायदा नहीं है अभी आप मुबारक ठहरेंगे और आपका रिवॉर्ड बड़ा है अगर आप बगैर देखे यसु मसीह को कबूल करते हैं क्योंकि जब आप येसु मसीह को कबूल कर लेंगे उसके बाद आपको दिखाई देने लगेगा कि येसु मसीह है आपकी जिंदगी बदल जाएगी आपको पता चल जाएगा सब कुछ आपकी आंखें खुल जाएंगी आपको कोई डिसीव नहीं कर पाएगा स्पिरिचुअल रैलम के अंदर ये जितनी डिमोनिक फोर्सेज हैं ये आपका नाम जानेंगे इनको पता होगा कि ये येसु मसीह के हैं ये येसु मसीह के खून से खरीदे गए हैं तो जो कोई भी यसु मसीह के बारे में नहीं जानता है उसके पास मौका है वो यूसु मसीह के बारे में जाने ने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे और हमेशा की जिंदगी मुफ्त में पाए वो अपने सारे बर्डन यीशु मसीह को दे दे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ऐप बोझ से दबे लोगों तुम सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा जो कोई भी अपनी जिंदगी से तंग है जो कोई भी मुश्किलात के अंदर है जो कोई भी रास्ता ढूंढ रहा है कि सही रास्ता क्या है वो यीशु मसीह को जान ले